यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम के दरबार में एक कौवा न्याय मांगने क्यों आता है और क्या न्याय किया भगवान श्री राम ने उस कौए का। तो आइए श्रोताओं, अपना वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है श्रोताओं, भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था, ऐसा सुसज्जित दरबार जिसमें भगवान राम जैसे राजा हों, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे उनके मंत्रियों के पद पर आसीन हों और वशिष्ठ जैसे राजपुरोहित और आचार्य हों। उस दरबार की शोभा देख करके देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। श्रोताओं, एक समय की बात है, जब दरबार लग रहा था तो एक कौवा ने विचार किया कि आज मुझे भगवान श्री राम के पास चलना है और मेरा न्याय करवाना है उनसे। तो श्रोताओं, तो कौवा भी भगवान श्री राम के दरबार में आकर उपस्थित हो जाता है और जब कौवा को मौका लगा तो कहने लगा, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मेरा न्याय कीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे, अरे कौवा बताओ, मेरे राज्य में तो हर प्राणी सुखी है, फिर तुम कैसे दुखी हैं? कि भगवान, आपके राज्य में हर प्राणी सुखी है लेकिन मैं सुखी नहीं हूं, मुझे मेरी इस जिंदगी से घृणा हो गई है। भगवान राम कहने लगे, क्यों, क्या बात है? कि प्रभु देखिए, मेरा कोई रंग है क्या? हर कोई मुझे कौवा कह के बुलाता है, हर कोई फटकारता है, जब मैं बोल जाता हूं तो मेरी क्या बोली है, काव काव, हर कोई अपशकुन मानता है। भगवान, मैं इस शरीर में संतुष्ट नहीं हूं। भगवान राम कहने लगे कि भाई, तुम किस में संतुष्ट रहना चाहोगे बताओ, मैं तुम्हें मौका देता हूं, तुम जो चाहोगे तुम्हें मैं वही बना दूंगा, परंतु आप उस पक्षी को या जीव को मेरे पास ले आओ, मैं आपको उसी के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। तो देखिए श्रोताओ, कौवा ने जब भगवान राम से ऐसा कहा और भगवान राम ने कौवा से यह कह दिया कि तुम जो बनना चाहते हो मैं वही बना दूंगा, तो कौवा कहने लगा, मैं प्रभु हंस बनना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम कहने लगे, जाओ और हंस को मेरे पास बुला करके लाओ। तो श्रोताओं, भगवान श्री राम की बात सुनकर के कौवा चल देता है और समुद्र के तट पर एक हंस उसे मिल जाता है। हंस से कहने लगा कौवा कि तुम्हें भगवान श्री राम ने बुलाया है। श्रोताओं, हंस कहने लगा, चलिए भाई। तो हंस कौवा के साथ चल देता है और भगवान श्री राम के दरबार में उपस्थित हो जाता है। अब भगवान श्री राम कहने लगे, बता कौवा, अब मैं तुझे हंस बना रहा हूं, परंतु इससे पहले इस हंस से पूछ तो ले कि ये अपनी जिंदगी में सुखी है या नहीं। तो कौवा कहने लगा, वाह प्रभु, इतनी सुंदर जिंदगी, देखिए क्या रंग है इसका, सफेद, और क्या खाता है मोती, जो कि एक मोती किसी गरीब व्यक्ति को मिल जाए तो माला माल हो जाता है, उसका ये भोजन करता है, समुद्र में रहता है, ये बड़ा सुंदर पक्षी है। तो ये बात सुनकर के हंस कहने लगा, जब हंस ने कौवा की ये बात सुनी तो हंस कहने लगा, भाई कौवा, आप ये मत कहो, मैं बहुत दुखी पक्षी हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं, क्या रंग है मेरा, पानी में मिल जाता है, जैसा पानी होता है वैसा ही मैं हो जाता हूं, और खाने को क्या खाता हूं, पत्थर, मोती चुगता हूं, आप नहीं जानते, पत्थरों से पेट भरता हूं। ये बात सुनकर के कौवा कहने लगा, नहीं भाई, तुम देखने में बड़े सुंदर हैं। कि नहीं भाई कौवा, आपको लग ऐसा रहा है, पर हम दोनों से सुंदर तो तोता होता है। भगवान श्री राम ने जब यह सुना तो भगवान श्री राम ने उन दोनों से कहा कि तुम जाओ और तोता को मेरे पास बुलाकर खिलाओ, मैं आप दोनों को आज तोता बना दूंगा। श्रोताओं, भगवान श्री राम की बात सुनकर के कौवा और हंस चल देते हैं और किसी सुंदर से बगीचे में एक तोता बैठा हुआ था, उस तोते के पास पहुंचे और तोते से कहा कि आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है। श्रोताओं, तोता कहने लगा कि चलो मित्रों, मैं चल रहा हूं। तोता भी उनके साथ चल देता है और भगवान श्री राम के पास आ जाता है। अब भगवान श्री राम कहने लगे उन दोनों हंस से और कौवा से कि देखो भाई, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, पर पहले इस तोता से इसकी जिंदगी के बारे में तो पूछ लो।
कौआ कहने लगा, प्रभु ये भी कोई दुखी होगा। हंस और कौआ दोनों कह रहे हैं, ये कितना सुंदर पक्षी है, देखो क्या सुंदर चोंच है इसकी, कितना सुंदर रंग है इसका, बागों में रहता है, जो मन में आता है वही फल खाता है, ताजे ताजे सुंदर फल खाता है, और बादाम जैसी वस्तुएं इसको भोजन में मिलती हैं। देखिए प्रभु, कोई गरीब व्यक्ति तो उन्हें खाने की तो क्या, खरीदना भी मुश्किल होता है। भगवान श्री राम कहने लगे कि भाई तोता, आप अपनी जिंदगी से खुशी हैं? तो तोता कहने लगे, नहीं प्रभु, मेरा भी कोई रंग है क्या, जिस बागीचे में होता हूं, जिस बाग में होता हूं, जिस वृक्ष पर बैठा होता हूं, उसी में मिल जाता हूं। मैं बड़ा परेशान हूं, लोग मुझे पकड़ लेते हैं और मेरी जिंदगी एक पिंजड़े में निकल जाती है। ये बात सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगे, तो तुम क्या बनना चाहोगे? अब तोता कहने लगा कि प्रभु, हम तीनों को आप मोर बना दीजिए, कितना सुंदर पक्षी होता है। भगवान श्री राम कहने लगे कि जाओ, मैं आपको मोर बना दूंगा, परंतु पहले मोर को मेरे दरबार में तो लाओ, यदि मोर अपने जीवन से संतुष्ट होगा तो मैं तुम्हें आज ही मोर बना दूंगा। श्रोताओं, भगवान श्री राम की बात सुनकर के तीनों पक्षी, कौआ, हंस और तोता, मिलकर चल देते हैं किसी जंगल में मोर को खोजने, और उन्हें एक मोर मिल जाता है। उस मोर से कहने लगे कि आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है। मोर कहने लगा, चलो भाई मैं चलता हूं, ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे, इस बहाने से उनके दरबार को देख लेता हूं। मोर भी उनके साथ चल देता है और चारों पक्षी भगवान श्री राम के दरबार में आ जाते हैं। अब श्रोताओं, भगवान श्री राम कहने लगे कि देखो, मैं तुम तीनों को, हंस, तोता और कौआ को, मोर बना दूंगा, परंतु इस मोर से अपनी जिंदगी के बारे में तो पूछिए। अब तो श्रोताओं, ये बात सुनकर के कौआ, तोता और हंस तीनों भगवान श्री राम से कहने लगे, क्यों प्रभु, क्या ये भी दुखी होगा, कितना सुंदर रंग है इसका, जैसे आसमान होता है नीला रंग, कितने सुंदर सुंदर इसके पंख हैं, कितना सुंदर मुकुट है, और जब ये नृत्य करता है तो लोग इसको देखते हैं, इसकी शोभा देखते ही बनती है। वर्षा ऋतु में जब ये बोलता है तो कितनी मधुर आवाज में बोलता है, इससे अच्छा पक्षी कोई नहीं होगा प्रभु, ये अपनी जिंदगी में बड़ा संतुष्ट है। ये बात सुनकर के मोर कहने लगा, नहीं भगवान, मैं संतुष्ट नहीं हूं। भगवान श्री राम कहने लगे, क्यों, कि देखो प्रभु, मेरा भी रंग चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं, पर मेरी इन पंखों के ऊपर लोग मुझे मार देते हैं, मेरी एक एक पंख को अपने घर को सजाने के लिए नोच नोच कर ले जाते हैं। भगवान, मैं क्या खाता हूं आपको पता है, मैं सर्प, कीड़े मकोड़े आदि का भोजन करता हूं, जबकि ये लोग तो कौआ, हंस और तोता तो अच्छा भोजन करते हैं। प्रभु, मैं मेरी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूं। जब ये बात मोर की कौआ ने सुनी तो कौआ कहने लगा, तो भाई फिर कौन सुखी है मोर, ये तो बता कि कौआ तू सुखी है। कौआ कहने लगा, मैं कैसे, कि देख, क्या कभी तुझे तेरे प्राणों का खतरा है कि नहीं, कभी तुझे कोई मारता है कि नहीं, तो देखिए हमको तो जनता मार भी देती है, ऐसे मनुष्य भी हैं कि हमें मार भी देते हैं, हमारे पंखों को भी छीन लेते हैं, हंस को भी मार देते हैं, तोता पिंजड़े में कैद रहता है, जबकि तुम स्वतंत्र तो रहते हो, हमेशा स्वच्छंद व्यवहार करते हो। ये बात सुनकर के कौआ कहने लगा कि हाँ, ये बात तो सत्य है। तो भगवान श्री राम से कौआ कहने लगा, प्रभु मैं तो कौआ ही अच्छा हूं, ये तो सभी एक दूसरे से ज्यादा दुखी हैं। तो भगवान श्री राम कहने लगे, हाँ कौआ, यही जीवन का सत्य है, कि देखिए कौआ, हर प्राणी इस संसार का यही सोचता है, हर कोई ये सोचता है, जनता सोचती है अफसर सुखी होंगे, अफसर सोचते हैं मंत्री सुखी होंगे, मंत्री सोचते हैं राजा सुखी होगा, राजा सोचता है इंद्र सुखी होगा, और इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महादेव सुखी होंगे। लेकिन सत्य यही है कि हर कोई अपने कार्य में सुखी नहीं है, हर कोई दूसरे के कार्य को देखना चाहता है, दूसरे का कार्य अच्छा लगता है, परंतु जब वास्तविकता उसके सामने आती है
तो हर कोई का यही हाल होता है जैसे उस कौवा का हाल हुआ था। तो श्रोताओं, हर प्राणी को अपना जो कार्य है, अपना जो कर्म है, अपने पास ईश्वर ने जो दिया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे ज्यादा सुखी ये होगा, उस हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी अपने अपने कर्मों से दुखी होता है और हर प्राणी अपने अपने कर्मों से सुखी होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। श्रोताओं, इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।